जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमको बताई गई थी, हमने जो देखा था नेट पे, हम लोग वहीं पर ही अभी खड़े हैं। और यहीं पर ही हिरन विरन जो भी जानवर है सारे यहीं पर ही आते हैं। मतलब वो लोग ना ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो हमको कभी भी सडनली दिख सकते हैं ऐसा। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइज आज का सीन काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आज के दिन को देखकर। मतलब हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमारे घर से 52 किलोमीटर में है एस्कॉट के पास पे। तो वहाँ पे ना आपको मस्क डेयर मिलेंगे सारे के सारे। तो उसका नाम भी मस्क डेयर सेंचुरी करके है। तो यहाँ से 52 किलोमीटर है अप्रॉक्स। तो मैं जा रहा हूँ नीरज भाई के साथ। तो उससे पहले कि आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पहली मंजिल पे अपने यहाँ पे लिंक रोड में पहली मंजिल है, तो वहाँ पे अपना मॉक टेस्ट चल रहा है बहुत सारे बच्चों का, तो वो भी कवर करेंगे एक बार। दाने वहाँ पे बुलाया हुआ है, उसके बाद जाएंगे एस्कॉट को और देखेंगे एस्कॉट पे क्या क्या सीन रहता है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं पहले। फिलहाल तो यार अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ, रेडी होता हूँ और फिर निकलता हूँ सीधे, मिलता हूँ आपको पहली मंजिल पे। मैं घर से निकला था और ये सीन चेक करो, यहाँ पे कुछ क्रेजी भाई लोग मिले हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? अरे हट जाओ, जाम लगा दे तुमने रस्ते में भाई। गाइस इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया ना, व्लॉग में लो तो लो यार, कभी हम व्लॉग में लो वाली बात है। क्रेजी सब्सक्राइबर्स गाइस, प्लीज़ भाई, वो कहते हैं UK05 वाले व्लॉगर को फुल सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये भाई लोगों का क्रिकेट का मैच है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू भाई, बढ़िया खेल के ना। और तू भाई? थैंक यू भाई, ठीक है। Hello? चलो मिलते हैं आपसे बाद में। फाइनली अभी मैं पहुँचा हूँ पहली मंजिल के पास पे, तो ऊपर जाते हैं एक बार चेक करके आते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहा है। हे बड़ी, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, ठीक हो? सबकी बातें पर मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा जाना तेरी नींद ना आने देते मेरे सपने मुझे, मैं गाने लिखूं मुझे वो ही जचे, बस इतनी तमन्ना जिसने पे... लीव नीरज भैया मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे को जाना है सच। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं, ये है नीरज भैया के पास। अभी हम लोग जा रहे हैं एस्कॉट को, जैसे कि मैंने आपको बताया था वाइल्ड का बना मस्कडियर सेंचुरी के पास पे। तो वी आर रेडी टू गो, आर यू रेडी? या एंड वेरी मच एक्साइटेड। वो लोग सब्सक्राइब करना यार मेरे को भी और नीरज भाई को भी सब्सक्राइब करना, नीरज ऑफिशियल 7 करके इनका, तो दिखा दिए हैं। तो अभी टाइम है जाने का गाइस, तो मिलता आपसे सीधे आधे रास्ते पे। चलिए पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, इसमें क्यों लगे? इट्स टाइम टू लीव, चलते हैं यहाँ से, गाड़ी वाड़ी निकालते हैं और सीधा मिलता आपको आगे रास्ते पे। हम लोग पहुँचे हैं सलमोड़ा के पास पे, फ्यूल तो हमने डाला लिया ऑलरेडी और अभी हमको ऊपर वाली रोड को कवर करना है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। चलो ब्रो बैठो, चले चलते हैं। सलमोड़ा है ये जगह। और अभी हम लोग पहुँचे एक मंदिर के पास में, ये सीन चेक करो और काफ़ी लोगों ने देखी होगी ये। क्या सतगढ़ वाला है ना? सतगढ़ यार मुझे नहीं पता इस जगह का नाम, बट ये जगह इतनी प्यारी है ना, जब भी मैं इधर आता हूँ तो इस जगह की वीडियो जरूर बनाता हूँ। वैसे अभी हम लोग पहुँचे थे एक मंदिर के पास पे और यहाँ पे हमें एक सिस्टर मिली हुई है, ये भी एक ब्लॉगर है। आपके चैनल का नाम? भावना जोशी ब्लॉग्स करके है। तो गाइस ये सीन चेक करना है इनका, और इनकी फैमिली भी आई हुई है। ये लोग अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी हम लोग जॉलजीबी का मेला घूमने जा रहे हैं, तो आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। देखते हैं हम लोग, मतलब कभी कभी देखने को मिलता है आपको, अब हम रेगुलर देखेंगे। ओके ओके, तो फैमिली देखती है, मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। बाय बाय। जैसे सीन दिखता ना मंदिर के आगे से, ये चेक कर रहे हो भाई, पूरा का पूरा मतलब पहाड़ी पहाड़ है सामने। और अभी नीरज भाई पता नहीं कहाँ चले गए, तो चलो चलते हैं आगे को, अपना आगे को जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस फाइनली। सो गाइस ये सीन चेक करो, यहाँ पे भेड़ वेड़ हैं भाई, कितने सारे हैं यार। ये सीन चेक कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो बे सबके सब? कितने हैं बकरी की तरह? ओ भाई नीचे तो देखो, पेड़ या भेड़? सीन चेक करो, सारे भेड़ चले गए लेकिन इसको नहीं छोड़ा जा रहा है। ये मुझे पसंद आ गया, इसको मैं लेके जा रही हूँ। वो देखो सिब्बो, कितने प्यारे हैं बेचारे। बेटा कितना उन्हें भाई, मैंने भेड़ अंकल आपके पास अभी है सब 400 है, 400 भेड़ है, 400 भेड़ है। गजब भाई साहब, गजब 400 भेड़ है। तो इन तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं एस्कॉट के पास पे, मतलब अप्रॉक्स 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। और ये मार्केट बाजार करके आगे को है और धारचूला नीचे को है और पिथौरागढ़ जहाँ से हम लोग आए। तो ये सीन चेक करो, यहाँ पे 3 रोड हैं एक साथ। तो मिलते हैं आपसे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच के गाइस।
हम लोग ना यही पर्पज से आए थे कि यहाँ पे कोई जानवर ऑनर दिखेगा करके जंगल में, तो जब लोगों से बात करी तो कह रहे हैं कि रेयर केस है कि दिख जाएगा करके, वैसे आप आजकल सब खत्म हो गया करके यहाँ, मतलब दिखता बहुत कम। मैं कह रहा हूँ ना, अशोक वन्य जीव अभयारण्य जो है बड़ा क्षेत्र है, अच्छा इसके अंदर जो है आपका रखे रहे हैं ऐसा, सुन रहे हो, अच्छा दूनाकोट ये बरम हो गया, धारचूला सोबला ये आपका अस्कोट सब उसी में आता है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में। इसके अंदर आपको ये जो है कस्तूरी मृग भी मिलेगा, सब मिलेंगे, लेकिन अभी दिखेंगे नहीं ना, मतलब कभी बार घूमते घूमते खेतों में भी आ जाते हैं, बट अभी दिखना उसका पॉसिबिलिटी कम है, मतलब तो वो कहीं होगा ना, रेयर केस है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कभी खेतों में घूमते फिरते भी आ जाते हैं वो, बट अभी समाप्ति हो गया मतलब यहाँ पे ना, अभी क्या है तो सही ना, अब अंदर होंगे ना वो जंगलों, बीच जंगलों के बीच में, हाँ जंगलों के बीच में यार। यहाँ पे एक दादा मिले थे अस्कोट पे, जिनने हमें अभी थोड़ा बता दिया अस्कोट के बारे में जो जो सीन थे, थैंक यू दा, बाय बाय। पैदल ट्रैक कर रहे हैं जंगल में जाने के लिए, देखते हैं कि क्या सीन है, कुछ तो दिख ही जाएगा मतलब हमको, और कुछ नहीं दिखेगा तो वहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी अल्टीमेट सीन है, और हमको लेके जा रहे हैं एक भाई, क्या नाम है, सुमित। चलो बढ़िया बढ़िया, आ जाओ और ये सीन चेक करो। अब हम लोग पैदल ट्रैक कर रहे हैं, हमको नहीं पता हम लोग कितनी देर में पहुँचेंगे कहाँ पहुँचेंगे, बट जो भी जानवर वानवर दिखेगा आपको भी दिखेंगे गाइस। करो गाइस, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ भाई यहाँ से भी, यहाँ 120। ये भाई पागल तो नहीं है, 120 सीढ़ियाँ भाई, नीरज भाई यहीं पर ही। गाइस फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं ये सेंचुरी के पास पे, ये चेक करो ये पूरे फील्ड है, ये जंगल है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमको बताई गई थी, हमने जो देखा था नेट पे, हम लोग वहीं पर ही अभी खड़े हैं, और यहीं पर ही हिरन विरन जो भी जानवर है सारे यहीं पर ही आते हैं, मतलब वो लोग ना ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो हमको कभी भी सडनली दिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं दिखेगा या फिर कुछ दिखेगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किस्मत पर डिपेंड करता है कि कोई जानवर अचानक से आ गया हमारे पास तो हमको दिख जाएगा, नहीं तो हमको खाली हाथ भी जाना पड़ सकता है घर को बिना कुछ फुटेज के, मतलब अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमको सब कुछ दिख जाएगा, मतलब जो भी जानवर हम देखने आए हैं डेयर, क्योंकि हम लोग डेयर ही देखने आए हैं यहाँ पे, तो एक भी अगर डेयर दिख जाता तो हमारी जो आने की मेहनत है वो पूरी हो जाएगी। तो हम लोग अभी ऊपर को जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और जंगलों के बीच में, और घने घने जंगलों के बीच में, और मंदिर आ गया सामने, तो सामने एक मंदिर भी है, और चलते हैं अभी यार, देखते हैं कुछ तो दिख ही जाएगा हमको, हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ ना कुछ दिखने की, तो चलो स्टिल हम लोग चल ही रहे हैं अभी भी जंगल में, कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई जानवर हमारे आजू बाजू से गुजरेगा, चलो देखते हैं, और घने घने जंगलों में जाते हैं आगे को, बट हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है यार, अभी 3 बज चुके हैं यहीं, और 3 घंटे का तो अपना रास्ता ही है पिथौरागढ़ जाने का, तो हम लोग कम टाइम पे जितना पॉसिबल हो पाए उतना देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस सामने जो आपको दिख रही है जौलजीवी की नदी है, कौन सी नदी है भाई, ये कुछ नाम है इसका, काली नदी, काली और गोरी नदी मिक्स है गाइस, ये जौलजीवी वाली नदी पे जो यहाँ से व्यू दिख रहा है ना, ये सामने जौलजीवी का ही है पूरा, क्या अल्टीमेट है यार, मेला भी यहीं लगा होगा ना अभी, हाँ अच्छा इसके पीछे साइड लगा है, और तू पेड़ में क्या कर रहा है, नीचे आना, क्या खा रहा है, आंवले, आंवले लगे इसमें, मेरे कल वाले ब्लॉग में भी आंवले थे गाइस, जिसने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा, लाओ मुझे भी खिलाओ, इट्स माय फेवरेट ब्रो, गिरना मत आराम से, हाँ ये सीन चेक करो गाइस, आगे सीधे जौलजीवी हमारे इस टाइप को अस्कोट है, और ये पूरा अस्कोट के अंदर ही आता है वाला एरिया, आगे को कुछ है ब्रो, और यहाँ पे जो मंदिर है उसका एक घंटी यहाँ पे है, यहाँ पे ये चेक करो झूला भी है, वाह यार कुछ नहीं मिला तो ये ही सही, इसी में बैठते हैं। का मंदिर होता है ना उसको हमेशा टॉप पे बनाया जाता है, तो ये जगह भी सबसे टॉप में है, और यहाँ से हर जगह का व्यू दिख रहा है, तो ये है भोलेनाथ का मंदिर जो कि सामने पे है, और यहाँ से भोलेनाथ दिखते हैं जैसा ये भाई बता रहा है, कहाँ है भाई, अच्छा भोलेनाथ ना लेटे हुए दिखते हैं करके सब कुछ बोल रहा है, चलो देखते हैं क्या सीन है। भाई बता रहा है कि इन जो पहाड़ों के बीच में ना कहीं पर ही शिव जी लेटे हुए जैसे दिखते हैं, मतलब विश्राम करते हुए दिखते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान का मंदिर जस्ट सामने पर ही है, और ये लोग यहीं के गांव के बिलोंग करने वाले हैं, तो गांव पे ऐसी बातें तो होती रहती हैं, बट मुझे बिलीव नहीं होता, बट देख लेते हैं जो भी ऐसी ना। अरे हम लोग आए थे डेयर देखने के लिए, और ऐसे घने जंगलों में भी हम लोग अभी घूम रहे हैं तो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो देखते हैं 5 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं कुछ अगर दिखता है तो, अगर कुछ नहीं दिखता है तो फिर भी हम लोग खुश हैं, क्योंकि हम लोगों को बाबा ने अपने द्वार पर बुला लिया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, देखो खुद ही खुद हम लोग आ गए, हमारा कोई भी प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, बट सडनली हम लोग भोलेनाथ के मंदिर पे पहुँच गए हैं,
बाकी जो भी दिखेगा और नहीं दिखेगा अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते गाइज। हम लोग तो आए, हमारा काम था आना, और इतने घने जंगलों में भी अगर कुछ नहीं दिखता तो गाइज हम उसमें क्या ही करें बताओ। जय भोलेनाथ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मंजूर है खुदा। अब हमें वो तो दिखानी डेयर पार्क, डेयर वेयर कुछ नहीं दिखा गाइज। भोलेनाथ जी आप दिख गए, इससे ज़्यादा खुशी हमको किसी चीज़ की नहीं है। और ये नंदी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है यार, इसके कान में आप जो भी बोलोगे आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो बाहर से बोलते हैं हम लोग, आपको भी बोलने तो आप बोल सकते हो गाइस। हेलो, ये सीन चेक करो, यहाँ से भी पूरे जंगल ही जंगल है। यहाँ पे कुछ आ सकता है क्या? अभी नहीं आएगा, वो वहाँ आएगा, वो उस पार्क यार। अब उधर तो नहीं जा सकते गाइस, हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमने पिथौरागढ़ भी जाना है और टाइम अप्रॉक्स 4 बज चुका है। तो हमारे पास 2 ही घंटे हैं अभी घर पहुंचने के लिए। मतलब यहाँ पे रुक के हम लोग थोड़ी देर देख सकते हैं ना, क्योंकि कोई जानवर आएगा करके आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। रात को आते हैं बहुत सारे यार, शिट। हम लोग ना क्या एक्सपेक्ट करके आए थे और क्या हो गया गाइस हमारे साथ। अगर आप लोग कभी भी इस जगह पे आओगे ना, तो थोड़ा सा ऐसे टाइम पे आना कि आप लोग एक दिन यहाँ रुक जाओ, उसके बाद ही घर जाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों ने रात को ही जानवर देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? रात को कौन कौन से जानवर घूमते हैं मतलब ज्यादा सर? यहाँ शेर भी आते हैं, और वो डेयर भालू, भालू नहीं यार, वो हिरन, हिरन यहाँ, हिरन वो नीचे आते हैं, आते हैं ना। हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं, पहाड़ के नीचे साइड आते हैं जहाँ बाघ रहता है। शिट यार, हम लोग नहीं जा सकते। नीरज भाई चलते हैं अभी घर को यार, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ अप्रोक्स 2 से 2.5 घंटे तो लगेंगे। हाँ, और अभी टाइम हो गया कितना, 4 बजने वाले बजने वाले। इन दोनों को थैंक यू भाई, दोनों को ठीक है। तुम दोनों नहीं होते तो हमें यहाँ का भी पता नहीं था, और थैंक यू ठीक है। और इस भाई को देखो यार, लेट हो रही है, बोल के भी समझ में नहीं आ रहा भाई, बैठ के उधर अपनी वीडियोस देख रहा है। झिसकुड़ा लग गया था भाई, झिसकुड़ा लग गया था, थोड़ी देर बैग क्या रखा भाई, जंगली जानवर का हमला हो गया। इस बेचारे ने तुमको काट दिया क्या? वो डेयर पार्क में कुछ नहीं, ये तो दिखेगा कम से कम यार, नहीं था किसी का फायदा उठा लेते यार। तो गाइस हमें दिखाया ये अभी ढूंढ के लेके आएगा डेयरों को। चेक करो गाइस, आप लोग सामने वाले यहाँ से असली में ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, और अभी इनमें बर्फ कम। घने जंगल जहाँ पे रात को आते हैं डेयर वेयर, दिन में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वो, दिन में भी आ जाते हैं ना यार, हम तो दिन ही में आ सकते हैं ना, हमारी पॉसिबिलिटीज तो दिन में आने की। भाई एस्कॉर्ट गाइस, कभी भी अगर एस्कॉर्ट पे आओ ना आप लोग, तो बहुत ही सोच समझ के आना, और मतलब टीम के साथ आना, ये नहीं कि आप 2 लोग हो और लटकते हुए आ गए, आपको जानवर दिख जाएंगे सोचकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। यहाँ पे हम लोगों का पोपट हो गया, सौरभ जोशी बन गया आज, हम लोग पोपट बना लिया हमने अपना। अरे भाई भाई भाई, ओए भाई 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 भाई, अच्छे से मार भाई, सर फोड़ भाई भाई भाई। सो गाइस फाइनली अभी हम लोगों का प्लान है घर को जाने का, क्योंकि टाइम हो गया है 4 अप्रॉक्स, और हमारे पास बस 2 ही घंटे बचे हैं घर जाने के लिए। और टाइम वैसे हमारा 2 घंटे का ही रास्ता है, बट जो रूट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कई जगहों पे रास्ता टूटा हुआ है, तो हमको ना 3 घंटे लग ही जाते हैं, और 3 घंटे में तो अंधेरा हो ही जाएगा। हमारे पास अब घूमने का टाइम नहीं है जंगलों पे। हम लोगों ने जो सोचा था कि एक जंगल होगा वहाँ पे जाएंगे और सारे जानवर दिख जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा सोचना था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ना यहाँ पे बैठना पड़ेगा जानवरों को ढूंढने के लिए 3-4 घंटे या फिर 5-6 घंटे आराम से, कुछ भी नहीं तो तब जाके आपको कुछ जानवर दिखेंगे। तो अब हमको ये मंदिर दिखा, हम लोगों ने यहीं पर ही शूट कर लिया अपना वीडियो जो भी था। इसमें यार काफी ज्यादा मेहनत लगी है पिथौरागढ़ से अस्कोट आने में, ये नहीं कि हम लोग उठे और आ गए, बहुत ज्यादा हम लोगों ने सोचा, बहुत सारी चीजें थी हमारे इस वीडियो के पीछे, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें हुई हमारे साथ जो कि हम लोगों ने नहीं शेयर कर रखी हैं। तो यार अब इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं, गुड बाय।